बात स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़ी भगदड़ का सबसे ज्यादा लाभ समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगातार दूसरे दिन एक दर्जन से अधिक लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ही रहे। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को बाहरी मुख्यमंत्री बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को बाहरी मुख्यमंत्री थोप दिया। योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश के सीएम तो उत्तर प्रदेश के नहीं है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ तो दूसरे प्रदेश से आए हुए हैं। अगर वो वाकई में योगी हैं तो सच सभी को बताएं। अखिलेश यादव ने कहा सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में कैसी भाषा बोलते हैं, कम से कम सीएम को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। किसी भी सदन में योगी आदित्यनाथ की भाषा मुख्यमंत्री वाली नहीं होती। सीएम तो विकास पर कम बोलते हैं, यह तो सबको पता है। उत्तर प्रदेश को आज क्या मिला है? अगर उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी सरकार के काम को आगे बढ़ाती तो भी काफी प्रगति होती। इन्होंने सपा के कामों को आगे ही नहीं बढ़ाया। अपमान किसी का नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमान हो रहा है। किसान अपनी बात को लेकर के आए होंगे तो किसानों को अपमानित कर दिया। नौजवान अपने नौकरी रोजगार काम के बात को लेकर के आए होंगे तो नौजवानों को अपमानित कर दिया। मुसलमान भाई या किसी वर्ग के लोग अगर कहीं आए होंगे, अगर मांग रखी होगी सरकार से, तो उन सबको अपमानित इस सरकार ने किया है। अपना काम दिखाने को नहीं है, दूसरे के काम को अपना काम बताना। और पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उद्घाटन का उद्घाटन किया, शिलान्यास का शिलान्यास किया, एमओयू का एमओयू किया। और राजनीतिक परंपराएं अगर हम देखें और सदन में अगर किसी की विचारों को हम लोगों ने सुना होगा तो कभी भी किसी नेता के ऐसे विचार नहीं रहे होंगे जो विचार हमें और आपको सुनने को मिले। कोई मुख्यमंत्री ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। समुद्र में डूब जाना चाहिए इनको, ये कोई भाषा मुख्यमंत्री जी की हो सकती है? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं इनके डीएनए में विभाजन है। अगर डीएनए का फुल फॉर्म बता दें मुख्यमंत्री जी तो हम जान जाएंगे हाँ आखिर का मुख्यमंत्री है। सरकार न जाने कहां ये पैसे को लेकर के जा रही है। कहीं ना कहीं जो सरकार का घाटा है, जो सरकार की नाकामी है, उस नाकामी को आंकड़ों में छिपाने के लिए आम जनता पर यह भार डाला गया है। याद रखिए, जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा होता है उसी समय महंगाई बढ़ जाती है। ये महंगाई बढ़ा करके इन्होंने पूरे के पूरे मध्यम वर्ग, गरीब, किसान, नौजवान सबके ऊपर भार डाला है। और गरीब ये सोच रहा है कि हम बचाएं क्या और खाएं क्या।